मॉड्यूल सो वेन टबाउट दिलेक्टिवलीज एबल टू कम्युनिकेट इन सोशल सिचुएशन बट ही वॉज अनएबलिकेट इन सर्टन सोशल सिचुएशन यूजअली जो ये डिसऑर्डर है वो बिफोर द एज ऑफ फाइव जो है इसका ऑनसेट हो जाता है लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो डिसऑर्डर है इसके बारे में बच्चे का उस वक्त तक नहीं हमें पता चलता जब तक कि वो स्कूल जाना शुरू ना कर दे तो जब वो स्कूल जाना शुरू करता है और वहाँ पर उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ता है तो उस पार्टिसिपेशन में जब वो बोलता नहीं है तो उस वक़्त जो है ये कम्प्लें सामने आती है कि इस बच्चे का जो है वो सेलेक्टिव म्यूटिज डिसऑर्डर है सेलेक्टिव म्यूटम डिसऑर्डर हम उस वक्त कहेंगे कि कोई भी बच्चा जो है वो एग्जिबिट कर रहा है जिस टाइम पे वो जब क्लास के अंदर तो उसको कम अज़ कम वन मंथ जो है वो गुज़र गया हो और वो कम्युनिकेट ना कर पा रहा हो ठीक है तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि सिलेक्टिव म्यूटिज्म जो है वो बच्चे को प्रॉब्लम कर रहा है इसके साथ साथ जब उसके पेरेंट्स से हम रिपोर्ट लेंगे तो वो यूजुअली ये कहेंगे कि जो बच्चा है वो घर के अंदर बिल्कुल नॉर्मल बात करता है और उसने पेरेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है सबलिंग्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है मगर स्कूल के अंदर वो नहीं बोल रहा ठीक है।, है इसके अलावा ये जो बच्चे होते हैं यूजुअली ये कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी मैनिफेस्ट करते हैं जो कि बाकी बच्चों में नहीं होते जिस तरह ये समाइम सेंसिटिविटी जो है वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं अब सेंसरी सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि इनको कोई भी टच जो है वो इनको अच्छा नहीं लगता ठीक है जैसा हेयर ब्रश का टच है या कोई और टच है तो वो दे डोंट लाइक इट और इसी तरह ये फूड के अपने हैबिट्स के अंदर बहुत पिकी होते हैं दे आर वेरी पिक्की इन ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फिर इसके अलावा इनके अंदर सर्टेन टाइम ऐसे होता है कि अगर इनको कोई टच करे तो ये उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो मिस करते हैं उस चीज़ को तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो इस तरह के सेंसटिव चैलेंज के साथ भी आपको नजर आएंगे जिनको सेलेक्टिव म्यूटिज़म का प्रॉब्लम होता है इसके अलावा सेलेक्टिव म्यूटिज़म के बारे में ये कहा जाता है कि अगर हम इसकी ट्रीटमेंट अर्ली एजेस के अंदर ना करें या बच्चे को साइकोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड ना की जाए तो सर्टन टाइम ये लेंगर ऑन करता है लेंगर ऑन कैसे करता है ये भी हो सकता है कि जो सेलेक्टिव म्यूटिज्म का फीचर है वही प्रसिस्ट कर जाए और बच्चा जो है वो ना बोले दूसरी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है ना बोलने की वो शायद ख़त्म हो जाए लेकिन जो सोशल इन्जाइटी है या जब लोगों के सामने उसे बोलना पड़े तो वो जो है वो प्रसस्ट करे ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनमें सेलेक्टेक म्यूटिज्म का प्रॉब्लम होता है ये कहा जाता है कि उनके अंदर आमतौर पर सोशल इन्जाइटी के फीचर्स भी डेवलप होते हैं अब हम सोशल इन्जाइटी के फीचर्स क्यों कहते हैं कि उनमें डेवलप हो सकते हैं उसकी मेन रीज़न ये है कि सोशल इन्जाइटी जो है उसकी वजह से भी बहुत से बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट मूटिज़म की तरफ जा सकते हैं लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी बच्चा है जो बोल नहीं पा रहा उससे किसी किस्म का डेवलपमेंटल डिले नहीं है यानी जो उसकी स्पीच है उसका कोई उसको ईशू नहीं है क्योंकि ये आम तौर पर जो अससमेंट्स हैं जो रिसर्च हुई हुई हैं वो हमें ये एक्सप्रेस कर देती हैं कि इन बच्चों के अंदर रिसेप्टिव लैंग्वेज के जो हैं डेफिसिट्स मौजूद होते हैं लेकिन रिसेप्टिव लैंग्वेज के डेफिसिट्स होने के बावजूद उसकी जो रेंज होती है वो नॉर्मल होती है डेवलपमेंटल रेंज जो है वो नॉर्मल होती है अगर वो रेंज नॉर्मल में नहीं होगी और वो बिलो एवरेज चली जाएगी तो फिर हमें ये देखना है कि किसी किस्म का डेवलपमेंटल डिले तो बच्चे में नहीं है इसके साथ साथ आपने ये भी जहन में रखना है के सर्टन टाइम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जो है वो भी बच्चों को होता है जैसा स्टटरिंग का मसला है या उनको आर्टिकुलेशन का मसला है तो इस किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो है वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म की हेडिंग के अंडर नहीं आएंगे हाँ बट इट माइट सेट के जो कोमोबिडिटी है इन डिसऑर्डर्स की इसके साथ हो सकती है तो यू नीड टू बी अंडरस्टैंड दिस सेलेक्टिव म्यूटिज्म जो है इसमें बच्चा कुछ सर्टन सिचुएशंस में नहीं बोलेगा लेकिन दैट इज नॉट समथिंग कि वो सब सिचुएशन में नहीं बोलेगा ऐसा नहीं होगा